हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओएनजी कुकिंग इंडिया। आज मैं बताने वाली हूँ मसालेदार सत्तू पराठा। हल्का तीखा, हल्का खट्टा, थोड़ा हटके बनेगा लेकिन बहुत टेस्टी रहेगा। चलिए उसके लिए इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। सत्तू पराठे के स्टफिंग के लिए हमें चाहिए सत्तू, लगभग मैंने एक कप लिया है यहाँ पे। प्याज बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लहसुन, लहसुन को भी छोटे छोटे काट लीजिए। हरी मिर्च, नींबू, यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च का अचार, अगर ये रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसी टाइप का कोई भी अचार आप ले सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, टेस्ट के हिसाब से नमक और एक टेबलस्पून कड़ू तेल, यहाँ पे मैंने कच्चा कड़ू तेल लिया है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक, नींबू या मिर्चा कम लगता है तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप इस टाइम पे ऐड करके फिर से मिक्स कर सकते हैं। और अभी आप देखिए ये बहुत ड्राई लग रहा है, स्टफिंग के लायक नहीं है। अब हल्का इसके ऊपर पानी छिड़क के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए स्टफिंग रेडी है, ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब पराठे के लिए आटा सानेंगे, उसके लिए सबसे पहले ले लिए आटा, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब पानी से सान लेंगे। देखिए डो रेडी है, एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, अगर डो हार्ड होगा तो अंदर का स्टफिंग सब बाहर आ जाएगा। ये देखिए लोई कुछ इस साइज का ले लीजिए, नॉर्मल पराठे से थोड़ा बड़ा ही लेना है क्योंकि अंदर स्टफ करके हम लोगों को बेलना है वरना बहुत छोटा बन जाएगा। ऐसे थोड़ा आटा लगा लीजिए ऊपर और इसको ऐसे राउंड कर लेते हैं, एडजस्ट पतला रहेगा और बीच में थोड़ा मोटा रहेगा। अब इसके अंदर सत्तू का मसाला डाल देते हैं। अब ये बेलने के लिए रेडी है। देखिए इतना मोटा रखिए, ज्यादा पतला मत करिए वरना पराठा हार्ड हो जाएगा, हल्का मोटा ही रखिए। तवा गर्म हो चुका है, अब हम पराठा सेक लेंगे। जब ऊपर का हिस्सा हल्का कलर बदलेगा तब हम लोग ऑयल डालेंगे। तो कैसा लगा आज का मसालेदार सत्तू पराठा? आप लोग भी घर में ट्राई करिए और कमेंट में जरूर बता दीजिए आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।